नमस्कार, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ सुनीता हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए नजर डालते आज की सुर्खियों पर। गोला कोतवाल विवेक उपाध्याय के ऊपर लगा संगीन आरोप। गोला कोतवाल विवेक उपाध्याय के ऊपर पीड़ित परिवार से रिश्वत व जबरन घर में घुसकर बेरहमी से पीटने का लगा आरोप। पीड़ित परिवार के कहने के मुताबिक मृतक मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता था, पैसे न दे पाने से बेरहमी से पीटा, झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया। जिला कारोबार हालात में बिगड़ते देख जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां मृतक अवस्था में सब देखने को मिले। पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए अधिकारियों के दफ्तर के सामने हंगामा भी काटा, परंतु कोई नतीजा ना निकलने पर प्रशासन की धमकी के आगे उनकी एक न चली। घर आकर डर कर धमका कर पीड़ित को शांत कराकर दाह संस्कार करने की मिल रही धमकी। अब देखने होगा शासन प्रशासन द्वारा पीड़ित को क्या न्याय मिलता है। हम दोनों लोग लेटर कमरा में है, तीन लोग आए अंदर घुस गए सेक्टर, ओढ़े रहे दोनों जने, उठाए नहीं उनका, पकड़ के बस मारे लगे। हम कहें बाबू जी काहे मार दो, काहे मार दो, मरे कौन नहीं मारे, हम समझ लड़ गए रहन। तो हम कहें ये साला, हम कहें काहे ले जाते, उनका लिहे काहे जाते, कहीं इनको साहब ने बुलाया है बड़ी जांच करने के लिए। तो विवेक, और क्या नाम उनका है? विवेक कुछ नाम है, वो अध्याय, विवेक अध्याय बुलाया है जांच करने के लिए। हमारे लड़के खूब मार पीटन जाए, हम लोग अब देवर गए। यहाँ से कह के गए थे कि हम वहाँ जांच करेंगे कि इंक्वायरी के लिए भेजा। क्या आरोप लगाए थे? आरोप के लगाए थे हत्या करो, गाय करो, बताई कहीं यार बताए हुआ लगाए थे जाए कि गाय कटवाता था और उनके साथ में रहता था, तब यही लगवाए थे जाए हुआ। और यहीं से कह के गए कि इंक्वायरी करीजिए, हुआ साहब बड़े बुलाए नहीं है, यही कही के ले गए रहे हैं। हम और छोटे वाले गए ना, तो कहीं 40,000 रुपए दे तो छोड़ दे बा। तो हम कहें साहब, किसने कही? विवेक अध्याय ने कहा था। तो हम कह 40,000 साहब हम करते हैं कहाँ, वो गरीब आदमी है ना, तो कहीं सुबह आना तो ले जाना इनको। तो हम क्या जानकारी मिल रही कि आपके आपके यहाँ से दो लोग पकड़े गए थे गांव से, दो लोग, एक बंदे छोड़ भी दिया गया। हाँ, एक छोड़ दे, उनसे ले लेना रुपया तो छोड़ देना उनका, 30,000 लेना है हमसे, कहीं 40,000 दिए हुआ है। हम कहें साहब 70 रुपया हमारे पास ना है। तो हम कहें सुबह अबो जो कुछ मरी है सो ले, तो हम सुबह 22,000 रुपया लेके गए रहन। तो कहने इतने में काम नहीं तुम्हारा होगा, ले जाओ इसको अपने घर भाग जाओ। किसने बोला? ये विवेक अध्याय ने, हाँ विवेक उपाध्याय कुतवाल ने बोला। हाँ हाँ, यही बात। और राजिंदर यहाँ रहे, खूब गरिया है उनका। राजिंदर कौन है? राजिंदर ये कांस्टेबल है? हाँ, सिपाही है थाने के जी। ये खूब गरिया गुरु मार दे ले गया रहा है घर मारे। जो सिपाही आए थे उनका कोई नाम वगैरह पता है कुछ? एक करो नाम है याद है खाली, और दूजने को नहीं याद है। क्या नाम था उनका? एक आदमी का नाम है राजिंदर। राजिंदर हाँ, और दूजन के साथ हमारा उनको नाम नाम का आपकी FIR लिखी गई? नहीं लिखी गई, नहीं लिखी गई भाई। कहूँ नहीं, आप लोग जो है पुलिस अधीक्षक जो है लखीमपुर गई थी, हाँ FIR जो लिखवाने के लिए लिखवाया। क्या हुआ? लिखवाया हम करने इंक्वायरी शुरू हुई है करी जी। अच्छा, मतलब उच्च अधिकारियों द्वारा जो आपके मामले देखा गया है उससे क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं, मकान नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए। क्या मकान मतलब? हम कह नहीं चाहिए मकान, सब सही है।